बाद में पहाड़ की यात्रा कर रहा हूँ, आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। तो इस समय मैं अभी हूँ गरुड़ के एक गांव में, और यहाँ हम भी थोड़ा देर आराम करेंगे और चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम मंदिर घूमने जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ। देखो मेरे पीछे हिमालय का पहाड़ दिखाई दे रहा है, हिमालय पर्वत, और देखो वहाँ बिल्कुल मतलब एकदम साफ बर्फ़ दिखाई दे रही है यहाँ से, और मतलब काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। कि ऊँचे पहाड़ हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से बर्फ़ साफ दिखाई दे रही है, मतलब देखने से काफ़ी मतलब अच्छा एक मनमोहक दृश्य लग रहा है। और बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं, ये तो था एक भाग इसका, और कभी किसी समय जाएंगे तो कम हिमालय ले लिया ले लिया। ये हिमालय है वो, ये है। तो यार अभी हम मंदिर से थोड़ा सा दूरी पे हैं ऊपर रोड में, और यहाँ से हमारा मंदिर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो पूरा प्राचीन मंदिर पत्थरों का बना हुआ, और ये मंदिर है यहाँ पे, और देखो इधर इसके सामने झील है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है मतलब। और ये देखो ये है हमारा बैजनाथ मंदिर, और वो उसका प्रवेश द्वार। हमारा मुख्य द्वार है, और सीढ़ियों से नीचे उतरने का है। बगल में जो हमारी नदी है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बाकी बाद में पता करेंगे। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ इस मंदिर के शिखर पर पंचशूल है, जो पूरे संसार की रक्षा करता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और इस समय अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है, वरना मेरे अनुमान से इतनी भीड़ होती कि मैं यहाँ पर चलना तक मुश्किल हो जाता। चलना तो दूर, शूटिंग करना तो दूर, चलना तक मुश्किल हो जाता। अभी चलते हैं हम, ये हमारा मुख्य रास्ता है। अकेला हूँ मैं, खुद ही मुझे शूट भी करना है, और खुद ही देखो कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, जिस पंचशूल की बात कर रहे थे हम,
वो पंचशूल ये है। और देखो अभी हम अंदर जाने से पहले बाहर से देख लेते हैं। तो मंदिर की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये पूरा पत्थरों से बना होता है। और देखो किस ज़माने का ये मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है और प्राचीन काल का। और इसकी बनावट देखो पत्थरों से बनाया, मतलब हमारे जो पूर्वज थे सनातन धर्म के। अब देखो यहाँ पर तारीफ करना तो बनता है कि सनातन धर्म के जो हमारे पूर्वज थे कितने ज़्यादा मतलब कुशल थे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट थे जिन्होंने पत्थरों से ये मंदिर बना दिया और बिल्कुल मतलब एक इतना सुंदर तरीके से पूरा इसमें पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है। इसमें कहीं पर भी सीमेंट सरिया और ईंट का उपयोग नहीं हुआ है। और ये मुख्य द्वार देखो घंटी पर ढक के रखा गया है। यहाँ से हमारे मंदिर का जो मुख्य शीर्ष है इस पर जो पंचशूल लगा हुआ है यहाँ से दिख रहा होगा आप सभी को। तो यार ये है हमारे गरुड़ में स्थित बैजनाथ मंदिर का प्रांगण जो है। और देखो मंदिर की विशेषता ये है कि काफ़ी पुराना मंदिर है। और फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है। इसमें देखो एक एक पत्थर को फिक्स आकार में रखा गया है। देखो जैसे वो पत्थर वहाँ पर उसके ऊपर है तो वो सेम साइज का पत्थर है। उसके ऊपर जो गेट है, गेट भी फिक्स पत्थर है देखो। और पूरे मंदिर को इसी तरह से बनाया गया है, काफ़ी मतलब उस ज़माने की ये कारीगरी और कलाकारी है जब मतलब किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। और ये मंदिर वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है शिव जी का बैजनाथ। और यहाँ शिव जी के जो भी रूप हैं और उनके निवास हैं सब के बारे में है। और जैसे उनका उनकी सवारी है तो यहाँ पे अंदर जाकर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम फिर भी बाहर बाहर से आपको घुमा के दिखा देंगे मंदिर की चारों तरफ से कैसा दिखाई देता है। और ये इस तरह का है देखो, यहाँ पे यहाँ से इसके सारे शिखर दिखाई देते हैं। देखो ये सबसे बड़ा शिखर, बिल्कुल यार मतलब देखने के बाद ऐसी इच्छा कर रही है कि इसको देखते ही रहे और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं कर रही। तो फिर आएंगे हम दोबारा फिर से अगली बार एक नया ब्लॉग बनाने। और कुछ बताया था कि इसमें आकर्षण मुख्य प्रमुख आसन श्रेष्ठ पत्थर निर्मित देवी पार्वती की स्थानीय प्रतिमा। अब देखो अगर हम देख नहीं पाए तो आप लोगों को यहाँ आकर ही देखना पड़ेगा क्योंकि अनुमति नहीं है। और यहाँ पर ये दूसरा शिखर है। और ये लाएगी एक तुम्हारा कितने कुछ खड़ा हो गया ये इसका बाहर से तालाब है। अच्छा पानी पाठक है ना। अच्छा देखूंगा मैं, अब मैंने देखा तो नहीं। और ये मंदिर पूरा हाथों से बनाया और पत्थरों से बनाया। एक रात में बनाया ये। एक रात में? एक रात में ये हो गया। और ये वहाँ सत्यनारायण की मंदिर है हाट में नीचे आगे। अच्छा अच्छा अब अगले चक्कर में वहाँ भी आऊँगा।
और शिखर, और आज का ब्लॉग जो है ख़त्म होने वाला है, बस यहाँ से परेशान रहते हैं और आपको जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय बच्चे।